ये बात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की और ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में स्क्वॉश वर्ल्ड कप, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ऐसे आयोजनों में आपके मंत्रालय और आपके विभागों की तैयारियों की परीक्षा होनी है। ठीक है, खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को लेकर हमारे मंत्रालयों को भी अलग अप्रोच से काम करना होगा। जैसे फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे ही आप सभी को मैच टू मैच मार्किंग करनी होगी। हर टूर्नामेंट के लिए अलग रणनीति बनानी होती है। आपको हर टूर्नामेंट के हिसाब से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स भी तय करने होंगे।